अलीगढ़ में खेतों से लौट रही लड़की के साथ जंगली झाड़ियों में डालकर गैंगरेप की वारदात के बाद वीडियो आया सामने। अलीगढ़ जिले में गैंगरेप की घटना उस वक्त सामने आई है जब एक लड़की खेतों से अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान लड़की के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की के साथ हुए गैंगरेप की घटना के बाद वहशी दरिंदों द्वारा बनाया गया एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर गैंगरेप का वायरल वीडियो होने के बाद इलाका पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि गैंगरेप की इस वारदात में इलाका पुलिस का FIR लिखने में खेल करने का भी मामला सामने आया है। एक युवती के साथ खेतों के बीच जंगली झाड़ियों में डालकर गैंगरेप की घटना हुई। लड़की के साथ बारी बारी से गैंगरेप करने के दौरान आरोपियों द्वारा वीडियो भी बनाया गया और धमकाने के लिए लड़की के साथ दरिंदों द्वारा किए गए गैंगरेप का वीडियो भी भेज दिया गया। लड़की के पास भेजे गए गैंगरेप के वीडियो से जहां लड़की के होश उड़ गए तो उसके परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी के साथ में गैंगरेप की शिकायत जिले में बैठे पुलिस के उच्च अधिकारियों से की गई। गैंगरेप की शिकायत उच्च अधिकारियों से किए जाने के बाद थाने पर गैंगरेप का मुकदमा लिखने के आदेश दिए गए, लेकिन मुकदमा लिखने के आदेश के बाद थाना पुलिस ने गैंगरेप की घटना को छेड़छाड़ में दर्ज कर दिया गया। इतना ही नहीं, अब हवस के भूखे भेड़ियों दरिंदों के गैंगरेप की शिकार पीड़ित लड़की पर फैसला करने का दबाव बनाया जा रहा है। मामला हुआ जी, मैं बागपत से अपने घर आ रही थी तो कैल में मुझे मंगल सिंह और वीरेश मिला। जिसने वीरेश ने मुझसे बोला था कि कोल्ड ड्रिंक पी ले, मैंने मना किया था लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती से कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद मुझे धुंधला धुंधला से फील होने लगा और मैं बेहोश हो गई थी। बेहोश होने के बाद मुझे नहीं पता इन्होंने मेरे साथ किया गया था, लेकिन बेहोशी से उठने के बाद मैं अपने घर गई थी तब मुझे पता चला था कि इन्होंने कुछ वीडियो और फोटोज भी लिए हैं। दुष्कर्म करके इन्होंने कुछ वीडियोस भी बनाए थे मेरे और उन्हें वायरल कर दिए हैं। मेरे पापा मम्मी ने इन्हें घर बुलाया था वीरेश ने ये कहा था कि आपने कुछ भी कानूनी कार्रवाई की तो मैं जेल तो चला जाऊंगा, लेकिन जेल से आने के बाद मैं इस जिसको जान से मार दूंगा, इस कोई को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सर मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दिलाइए वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। जी मैं पढ़ने के कुछ लोग आए थे तो उन्होंने एक प्रार्थना पत्र मुझे दिया था जिसमें मैंने जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखा था। विधिक कार्रवाई करने के लिए उनके थाने पर उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और उसकी व्यवस्था चल रही है। साक्ष के क्रम में जो भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वीडियो का क्या कहना है?